हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इससे रक्षा क्षेत्र में न्यू एंट्रेंस का, खास तौर पर एसएमईज की एंट्री आसान हुई है। निजी क्षेत्र की सहूलियत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्टरी द्वारा बनाए जा रही 600 वस्तुओं में से हमारी सरकार द्वारा 275 को नॉन कोर घोषित किया गया है। साथियों, हमारी सरकार हमारा डिफेंस सेक्टर में एफडीआई के नियमों को भी आसान और लिबरल किया गया है। अब डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ हुआ है, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से संभव हो सकता है। बीते 5 वर्ष में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में करीब 1700 करोड़ एफडीआई आने का मार्ग बना है। ऑफसेट के क्षेत्र में भी अनेक बदलाव किए गए हैं। ऑफसेट गाइडलाइंस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ऐसे कदमों से वर्ल्ड सप्लाई चेन में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। दुनिया के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अधिक कॉम्पिटेटिव इंडियन पार्टनर्स मिलेंगे। साथियों, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और रक्षा खरीद और इससे जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के लिए वर्ष 2018 में हमारी सरकार द्वारा डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। बीते 8 महीने में पॉलिसी रिफॉर्म का ये सिलसिला और तेज हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बनने से डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया और आसान होने वाली है। इनका निश्चित लाभ डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योगों को होगा और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के इच्छुक आप सभी इन्वेस्टर्स को होगा। फ्रेंड्स, आज भारत में 2 बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक तमिलनाडु में है और दूसरा यही हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन कॉरिडोर्स के विकास से डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, यूपी और तमिलनाडु में दूसरे छोटे उद्योगों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के लाखों नए अवसर भी अवश्य मिलेंगे। अगले 5 वर्षों में इन डिफेंस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है। अब तक यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी हो चुकी है। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर के तहत यहां लखनऊ के अलावा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर में नोड्स स्थापित किए जाएंगे। वैसे यहां पास में ही अमेठी के कोरबा में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये जगह लखनऊ से बहुत दूर नहीं है। यहां भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल बनाने का एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है। ये ज्वाइंट वेंचर आने वाले समय में भारत में एक वर्ल्ड क्लास
सप्लाई चेन तैयार करेगा। AK-203 राइफल के उत्पादन में 100% इंडिजनाइजेशन का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और गति देने के लिए और विस्तार देने के लिए नए लक्ष्य, नए टारगेट रखे गए हैं। हमारा लक्ष्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एमएसएमई की संख्या को अगले 5 वर्षों में 15,000 के पार पहुंचाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि 2018 में डिफेंस एक्सपो में आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ जोड़ने के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करना था। इसकी मदद से अब फोर्सेस की जरूरतों के अनुसार लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव उपाय विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सी थ्रू आर्मर, अंडर वॉटर व्हीकल्स, सैनिकों के लिए इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल है। मुझे विश्वास है इस प्रयास से दुनिया भर में फैले इंडियन इनोवेटर जुड़ेंगे। साथियों, आईडेक्स के आइडिया को विस्तार देने के लिए, इसको स्केल अप करने के लिए 200 नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश ये है कि कम से कम 50 नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स का विकास संभव हो सके। इसके अलावा डीआरडीओ में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए कोलैबोरेटिव एकेडमिक रिसर्च पर भी काम चल रहा है। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि बाहर से इंपोर्ट किए गए कंपोनेंट्स और भारत में बने रक्षा उपकरण का, सब असेंबलीज का इंडिजिनाइजेशन का ये हम आसानी से कर सके। अगले 5 वर्षों के दौरान 5,000 ऐसे कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करने का टारगेट लेकर देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रयास एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बनाने का भी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ी रणनीति को दिशा देगा। इसका उद्देश्य आने वाले 15-20 वर्षों में अति आवश्यक टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं की पहचान करके उसके निर्माण के लिए योजना बनाना है। वैसे मेरा यह भी सुझाव है कि देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री बॉडीज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे वो रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास और उत्पादन दोनों का लाभ उठा सके। साथियों, विश्व पटल के साथ ही आज भारत आउटर स्पेस में भी अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। आउटर स्पेस में भारत की उपस्थिति पहले से ही मजबूत है और आने वाले वर्षों में ये और सशक्त होने वाली है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी 130 करोड़ भारतीयों को गवर्नेंस से लेकर सिक्योरिटी तक में अहम भूमिका निभा रही है। गरीब के घर के निर्माण से लेकर विनाशकारी साइक्लोन से भारतीयों की रक्षा के लिए आज अपने स्पेस एसेट्स का उपयोग हम कर रहे हैं।
ऐसे में स्पेस में भारत की रुचि वॉरफेयर के लिए नहीं वेलफेयर के लिए है। भारतीयों के साथ ही सबके वेल बीइंग के लिए है। मुझे गर्व है कि इस मामले में भारत ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का विकास किया है। आज इसरो भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए आउटर स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है तो भारत का डीआरडीओ इन एसेट्स को गलत ताकतों से बचाने के लिए डिफेंस की दीवार भी खड़ी कर रहा है। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस डिफेंस दोनों मामलों में भारत दुनिया की एक अहम ताकत है। आने वाले समय में इसको हम और अधिक एक्सप्लोर करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्सप्लोर करेंगे। साथियों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता उसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम पर इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपने हितों के अलावा मानवता को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर खुद के साथ साथ पड़ोस के अपने मित्र देशों को भी सुरक्षा देने का दायित्व है। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के लिए हर वक्त तैयार रहना हमारी जरूरत है। साथियों, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हमारी एम्बिशंस किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। ये काम भारत के का अगर इतिहास देखा जाए, भारत ने ना कभी किया है और ना ही ऐसा करने की हमारी इच्छा है। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से विश्व शांति का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। दो वर्ल्ड वॉर्स में हमारा डायरेक्ट स्टेक ना होते हुए भी भारत के हजारों जवान शहीद हुए। आज दुनिया भर में 6000 से ज्यादा भारतीय सैनिक यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। यहां अफ्रीका में हमारे मित्र देशों के अनेक साथी आज मौजूद है। वो जानते हैं कि अफ्रीका में शांति स्थापना के लिए भारत की सेना ने किस तरह हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से अफ्रीकी देशों के डिफेंस मिनिस्टर भी आज हमारे बीच मौजूद है और उनके साथ पहली बार एक विशेष कॉन्फ्रेंस डिफेंस एक्सपो में आयोजित की जाएगी। साथियों, भारत दुनिया का एक प्रमुख एरोस्पेस रिपेयर एंड ओवरहॉल हब बनाने की क्षमता रखता है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में असीमित संभावनाएं हैं। यहां टैलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है, यहां इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहां फेवरेबल पॉलिसी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी है, यहां डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डिसिसिवनेस भी है और आप सब भी हैं। मैं आप सभी को, पूरी दुनिया के डिफेंस इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आमंत्रित करता हूं। यहां लगा आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न देगा और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस एक्सपो को
उसकी सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।